दिल्ली पुलिस ने शनिवार को सागरपुर में ठगी का कॉल सेंटर चलाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह क्रेडिट डेबिट कार्ड के प्वाइंट को नकदी में बदलने का झांसा देकर खाते से रकम निकाल लेता था। पुलिस ने गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें मास्टरमाइंड इंजीनियर है जो पेटीएम का पूर्व कर्मचारी है। जांच के बाद पुलिस ने मास्टरमाइंड प्रमोद को शनिवार को पकड़ लिया। बाद में उसके 3 और साथियों को भी पकड़ा। गिरोह ने सागरपुर इलाके में ठगी के लिए कॉल सेंटर खोल रखा था। प्रमोद और राहुल ने फर्जी सिम कार्ड से वॉलेट एक्टिवेट किए हुए थे। उन पर खाता धारकों का डाटा बेस था। टेलीकॉलर डेबिट क्रेडिट कार्ड धारकों को बताती आपके प्वाइंट जल्द बेकार हो जाएंगे क्योंकि बैंक नई पॉलिसी ला रही है। विश्वास जताने को वे लोगों के खाते में कुछ रकम भी डालते थे। इसी बीच ग्राहकों से उनके कार्ड की डिटेल पूछते थे। बाद में खाते से लेन देन के लिए पीड़ित के मोबाइल पर आने वाला OTP भी पूछकर सीधे खाते से पैसे निकाल लेते थे। गिरोह नोटबंदी के बाद सक्रिय हुआ था। गौरव ने जांच में बताया कि कॉल सेंटर उसका था। उसने 7 से 8 महिला कॉलर को रखा हुआ था। इनको ठगी की जानकारी नहीं थी। ठग SBI के ग्राहकों को सबसे ज्यादा शिकार बनाते थे।